वीडियो हो सकता है मात्र 5 मिनट की होगी, लेकिन इन 5 मिनट को भी अगर आपने सुन लिया तो समझिए आने वाले दिनों में अगर आप या आपके चाहने वाले आपके दो जम्मू कश्मीर के साथ माता वैष्णो देवी की यात्रा करना चाहते हैं तो उनके लिए ये वीडियो पूरी देखना बहुत ज़रूरी है। कैसा है वैष्णो देवी का वर्तमान का मौसम, यात्रा का आंकड़ा वर्तमान में कितना है, प्राचीन गुफा और बर्फबारी का अपडेट हर टूरिस्ट जानना चाहते हैं। छोटी मोटी जानकारियों टूरिस्ट को प्राथमिक चाहिए होती हैं, वे सारी आज की इस वीडियो में देने का प्रयास करूंगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल दुबक रहा है तो आप दिए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी अपनी स्टेट का नाम लिखकर अपने सवालों की सूची मेरे व्हाट्सएप नंबर पर दे सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपके उत्तर सही समय पर सही जानकारी के साथ दिए जाएं। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मौसम को लेकर तो मौसम का मिजाज काफ़ी सुहाना है। सुबह शाम ठंड ज़रूर होती है, खुली धूप पूरे कटरा के साथ त्रिकुट पर्वत पर और भवन में छाई रहती है। बहुत सारे दोस्तों के मन में ये भी सवाल आता होगा कि आखिर हम कैसे माता वैष्णो देवी की यात्रा करें। जब आप लोगों के ट्रेन टिकट्स हो जाते हैं, पिछले कुछ सालों से आप सब जानते होंगे कटरा वैष्णो देवी तक ट्रेन आ रही है, इसलिए आप लोग अपने नज़दीकी रेलवे स्टेशन से सीधे कटरा के लिए ट्रेन कर सकते हैं। अगर कटरा के लिए कोई ट्रेन नहीं मिल रही है तो जम्मू या उधमपुर रेलवे स्टेशन भी आप ट्रेन ले सकते हैं। जब आप कटरा पहुंच जाते हैं साथियों, आपको रुकने की व्यवस्था, नहाने धोने की व्यवस्था, स्थानीय होटल और गेस्ट हाउस या होम स्टे फैसिलिटी भी आपको यहां पर मिल जाती है। इसके अलावा सरकारी होटल एवं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से आपको धर्मशाला, ड्रामेट्री, बेड और कमरे उपलब्ध हो जाते हैं। अगर आप मेरे माध्यम से जिनकी बुकिंग चाहे तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, चाहे तो आप यहां आकर भी कर सकते हैं। अपना पता, अपने आने की पूरी जानकारी मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी कर सकते हैं। वैष्णो देवी यात्रा के लिए सबसे जरूरी चीज RFID कार्ड चाहिए, जिसके यात्रा पंजीकरण यात्रा पर्ची भी कहते हैं। कटरा आकर आपको निःशुल्क श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से दिया जाता है। ये कार्ड बनने का जो समय है सुबह लगभग 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक कटरा के रेलवे स्टेशन कटरा के काउंटर नंबर 2 और बस स्टैंड नंबर 1 पर भी आपको ये पंजीकरण कार्ड मिल जाता है। इसके साथ साथ मेरा ये सुझाव है, अपनी यात्रा अगर आप इन दिनों आ रहे हैं तो सुबह शुरू कीजिए और शाम तक यात्रा करके वापस अपने होटल या अपने गेस्ट हाउस तक वापस लौट आए। सिर्फ वैष्णो देवी यात्रा ही नहीं, मैं तो ये कहती हूँ कि आप थोड़ा समय लेकर 1-2 दिन और लेकर यहाँ के आसपास बहुत सारे पर्यटक स्थल हैं और शिव कोड़े की यात्रा करना ना भूलिए। आप मैं अक्षता शर्मा, यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर से आज के लिए ले रही हूँ अनुमति। धन्यवाद। जय माता दी। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।